नमस्कार, वेलकम टू एक्सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल। आपको जो पेंशन मिलता है उस पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है, पर जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो पेंशन, जैसे कि आप जानते हैं, नॉन टैक्सेबल है, यानी कि उस पर आपका टैक्स एग्जेम्प्टेड है। और इनकम टैक्स का जो ऑनलाइन फाइलिंग है, आप जब ई फाइलिंग करते हैं उसमें भी देखिएगा, 2018 से एक नया कलम जुड़ गया एग्जेम्प्टेड इनकम में, जो कि डिसेबिलिटी पेंशन ऑफ डिफेंस। 2019 का मई जून में, जैसे कि आपने बहुत न्यूज़ चैनल में सुना होगा, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में, हर जगह में ये चर्चा हो रहा था कि डिसेबल सोल्जर्स के लिए जो एग्जेम्पशन मिल रहा था, इनकम टैक्स एग्जेम्पशन, वो अब नहीं रहा। इस पर बहुत ही चर्चा हुआ और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे कोर्ट केसेस भी फाइल हुए। अब इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे क्या स्टेटस है, लेटेस्ट क्या पोजीशन है इनकम टैक्स एग्जेम्पशन को लेकर। डिसेबिलिटी पेंशनर्स जो है उनका डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर क्या आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, इसके लिए वीडियो पूरा देखें। और मेन वीडियो में जाने से पहले, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, अब भी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। सर्कुलर नंबर 211 इशूड बाय PCDA इलाहाबाद, डेटेड 3 मार्च 2020। ये जो सर्कुलर है ये सभी जगह में भेजा गया। PCDA ने चीफ अकाउंटेंट RBI को भेजा हुआ है, डायरेक्टर ट्रेजरीज ऑफ ऑल स्टेट्स को भेजा हुआ है, AGM CPPC ऑफ ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स को भेजा हुआ है, और जो भी स्टेक होल्डर्स है सभी जगह को, PAO को, मिलिट्री एंड एयर अटैची इंडियन एम्बेसी को, सभी जगह में भेजा हुआ है। सो फ्रेंड्स, जो सब्जेक्ट है इसका, यह है इनकम टैक्स ऑन डिसेबिलिटी पेंशन फॉर डिफेंस फोर्सेज पर्सनल रिगार्डिंग। इसमें जो ऑर्डर का रेफरेंस दिया गया है वो है 20 फरवरी 2020 को PCDA ने एक लेटर सर्कुलेट किया था, जो कि CBDT का एक लेटर था 24 जून 2019 का। दिस इज़ रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इन टर्म्स विथ एग्जेम्पशन ऑफ पेंशन ऑफ डिसेबल पर्संस, यानी कि डिसेबिलिटी पेंशन का जो एग्जेम्पशन था इनकम टैक्स में, इसका रिलेटेड जो मॉडिफिकेशन हुआ है वो लेटर PCDA ने सर्कुलेट किया था 20 फरवरी 2020 को। तो आज का जो सर्कुलर स्क्रीन में देख सकते हैं, ये सर्कुलर यह है रिगार्डिंग 20 फरवरी 2020 को जो लेटर सर्कुलेट किया गया था उसको सप्रेस किया गया, यानी कि वो लेटर का जो ऑर्डर था वो अभी नॉट इन फोर्स, उसका मुताबिक इनकम टैक्स एग्जेम्पशन नहीं होगा, यानी कि आपका इनकम टैक्स एग्जेम्पशन जैसे पहले थे 1970s में जो ऑर्डर इशू हुआ था, फिर उस ऑर्डर को मॉडिफाई किया गया था 2001 में, और वो ऑर्डर क्या था मैं आपको बता दूं कि उस ऑर्डर के मुताबिक अगर आपका डिसेबिलिटी एलिमेंट एंड सर्विस एलिमेंट दोनों हैं, या फिर आपका केवल डिसेबिलिटी एलिमेंट है, तो आपका जो एंटायर पेंशन है, यानी कि आपका डिसेबिलिटी एलिमेंट एंड सर्विस एलिमेंट दोनों एलिमेंट ही आपका एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। ये है 1 जुलाई 2001 का 2001 जो इंस्ट्रक्शन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आपका एंटायर पेंशन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। इस पर जो है मॉडिफिकेशन लेके आया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस CBDT ने, तो जो एग्जेम्पशन था उस एग्जेम्पशन को ख़त्म कर दिया गया था, उसमें काफ़ी मॉडिफिकेशन लेके आया था, और उसमें ये बताया गया था अगर आपको बॉडीली इंजुरी है और वो इंजुरी एट्रिब्यूटेबल या एग्रीवेटेड है तभी आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, अदरवाइज आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। और देखा गया सर्वे में कि ज़्यादातर जो एक सर्विसमैन है, जो डिसेबल एक सर्विसमैन है, उनको जो है बॉडीली इंजुरी बहुत कमी होते हैं। जो बॉडीली इंजरी मीन्स जो इंजरी के वजह से आपको नॉर्मल वे में चलने फिरने में दिक्कत होता है, ऐसे इंजरी बहुत कम होते हैं। बट इंजरी जो होते हैं वो आपको मिलिट्री सर्विस के लिए डिस्क्वालीफाई करते हैं, इस तरह का जो इंजरी है
ये जो क्राइटेरिया है ये ज़्यादातर डिसेबल सोल्जर्स का होता है, तो उस पर जो एग्जम्पशन था उस एग्जम्पशन को ख़त्म कर दिया गया था। पर अभी का आज का जो सर्कुलर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, इसमें ये बताया गया सिविलिटी का जो ऑर्डर सर्कुलेट किया गया था वो ऑर्डर सप्रेस हो गया और फ्रेश ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फाइनेंस का फ्रेश ऑर्डर आया हुआ है। वो ऑर्डर क्या है अब देख लेते हैं। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इनकम टैक्स ऑन डिसेबिलिटी पेंशन फॉर डिफेंस फोर्सेज पर्सनल, इस पर एक नोट दिया और इसमें ये बताया गया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बाय इट्स ऑर्डर डेटेड 30 अगस्त 2019 हैज़ डायरेक्टेड द पार्टीज कंसेंट टू मेंटेन स्टेटस क्वो इन द सब्जेक्ट मैटर इन व्यू ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट PCDA पेंशन इलाहाबाद मे बी एडवाइज टू इशू ए सर्कुलर टू द पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसीज नॉट टू मेक रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स ऑन डिसेबिलिटी पेंशन एज पर सिविलिटी सर्कुलर नंबर 13 डेटेड 24 जून 2019। ये 24 जून 2019 का जो सर्कुलर है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें बताया गया था कि जिनको बॉडीली इंजरी है और वो इंजरी अगर एट्रिब्यूटेबल या फिर एग्रीवेटेड है तभी उनका जो डिसेबिलिटी पेंशन जो है उस पर टैक्स एग्जम्प्टेड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पर ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीशन है उस पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में फिर ये ऑर्डर जारी किया कि ऐसे नहीं होगा, इस पर स्टे ऑर्डर आया हुआ है और कोई रिकवरी नहीं होगा, यानी कि वो टैक्सेबल अभी नहीं होगा। जो स्थिति पहले था 24 जून 2019 से पहले जैसे इनकम टैक्स ट्रीटमेंट होता था डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर, अब भी ऐसे ही होगा। सो फ्रेंड्स, अभी इनकम टैक्स फाइल करने का समय है, नवंबर तक आप इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं। और आप जब इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं, अगर आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिल रहा है तो आप ज़रूर पेंशन को शो करें, और शो करने के लिए आपका जो एंटायर पेंशन है टोटल अमाउंट आप उसमें एग्जेम्प्टेड इनकम में आप दिखा सकते हैं। उसको दिखाने के लिए जो पर्टिकुलर जगह है और जो अप्रोप्रिएट फील्ड है वहाँ पे आप उस पर सिलेक्ट कीजिए और उस पर दिखाइए, ताकि आपका जो जो इनकम है वो लीगली एग्जेम्प्टेड हो, क्योंकि आपको एग्जेम्पशन मिलेगा एज़ पर दिस लेटर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फाइनेंस का जो लेटर है इसके हिसाब से आपको अभी भी एग्जेम्पशन मिलेगा। तो इस पर कोई जो है कंट्रोवर्सी नहीं रहा अभी। आपका जो डिसेबिलिटी है वो एग्रीवेटेड है या एट्रिब्यूटेबल है या नहीं है, इस पर कोई चर्चा करने का अभी आवश्यकता नहीं है। अगर आप सीधी सी बात है, अगर आपका जो पेंशन है वो पेंशन का जो एलिमेंट है एक एलिमेंट अगर डिसेबिलिटी एलिमेंट है, तो आपका कंप्लीट जो पेंशन है इंटायर पेंशन है वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। आज के लिए इतना ही था। वीडियो का अंत में आपसे फिर रिक्वेस्ट है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।